मॉर्निंग साथियों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारम्भ किया गया है। रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर, देखते हैं, 18 अप्रैल को WHO द्वारा रोगी सुरक्षा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक सम्मेलन, चौथा सम्मेलन था ये, तो छठवां सम्मेलन, छठे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 अप्रैल तक कहाँ किया गया, तो चिली के सैंटियागो में। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि ये जो है सम्मेलन कहाँ हुआ, तो चिली के सैंटियागो में हुआ। रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर सुरक्षा के संदर्भ में रोगियों या मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला यह पहला चार्टर था। अगली न्यूज है कि इजराइल की सीडोम रक्षा प्रणाली, इसके बारे में जानते हैं क्या न्यूज है, आइए देखते हैं। 9 अप्रैल 2024 को इजरायली सेना ने पहली बार दक्षिण शहर इलियट, याद रखिएगा इलियट के पास, देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक संदिग्ध लक्ष्य के खिलाफ अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम को तैनात किया है। यह इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैन्य संस्करण है। जर्मनी द्वारा निर्मित युद्ध पोतों पर यह स्थापित की जाती है और आयरन डोम के समान इंटरसेप्टर का ये उपयोग करती है। आगे देखते हैं कि इजराइल द्वारा हमास नियंत्रण गाजा पट्टी, आप लोग जानते ही होंगे गाजा पट्टी कहाँ पर है, तो हमास के द्वारा नियंत्रित किया जाता है गाजा पट्टी को, में दागे गए रॉकेटों को रोकने के लिए कई बार भूमि आधारित वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम का उपयोग किया जाता है। आयरन डोम का उपयोग रॉकेट से किया जाता है, तोपखाने, मोर्टार के साथ साथ विमान या हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। मतलब रॉकेट के खिलाफ में लगाया जा सकता है, तोपखाने के भी, मोर्टार, विमान, हेलीकॉप्टर, हवाई वाहन जो भी हैं सबके खिलाफ इस आयरन डोम को लगाया जा सकता है। यह छोटी दूरी पर सतह से हवा पर मार करने वाली एक डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार और तमिर इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं, इनकी मिसाइलों का नाम है ये। अगली न्यूज है कि सोमालिया के संविधान में हुए ऐतिहासिक बदलाव, अब देखते हैं कि सोमालिया की संसद में हाल ही में संविधान में ऐतिहासिक संशोधनों के लिए मतदान किया गया, जिसके माध्यम से संविधान में बदलाव किए गए। इन बदलावों में क्या क्या था, तो देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। मतलब अभी तक यहाँ ऐसा नहीं था, अब यहाँ का राष्ट्रपति जो है उसको अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है और प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है। यह परिवर्तन जो है शीर्ष शक्ति केंद्रों के बीच अधिकारों के बीच जुड़े विवाद के कारण चर्चा में रहा। आइए देखते हैं आगे। संविधान संशोधन ने बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देते हुए देश में तीन राजनीतिक दलों की उपस्थिति का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, USA में दो पार्टी है, वैसे यहाँ पे अब तीन पार्टी होगी। इस संशोधन में सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। अगली न्यूज है कि जुडीथ सुगिनवा तुलुका, इनका नाम याद रखिएगा, जुडीथ सुगिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो जुडीथ सुधिनवा तुलुका, इनका नाम याद रखिएगा, को कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं फेलिक्स तेसेसे कंदी, इनका नाम है, इन्होंने ही इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। यह घोषणा जो है लुकांडो द्वारा प्रधानमंत्री, जो यहाँ के पहले प्रधान, मतलब इससे पहले प्रधानमंत्री लुकोंडे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के कारण इस बात पर, मतलब इस नौबत पर यहाँ की गवर्नमेंट पहुँची। जुडीथ सुमिनवा जो है तुलका पूर्व योजना मंत्री थी, वे पहले योजना मंत्री थी जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जीन मिशेल सामा लुकोंडे के स्थान पर नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं मिस्र की, तो अलसीसी यहाँ के जो है तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, मिस अब्देल फतेह अलसीसी इनका पूरा नाम है। 2 अप्रैल 2024 को
जो है तीसरी बार ये राष्ट्रपति पद की शपथ इन्होंने ली। सीसी ने 2023 में 90% मतों के साथ, इतना प्रतिशत मतों के साथ कोई जीतता नहीं है, देखिए 90% मतों के साथ इन्होंने चुनाव को जीता है। अल सीसी विगत 9 वर्षों से मिस्र की राष्ट्रपति हैं और अगले 6 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। मिस्र में वर्ष 2019 में संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। मतलब 2019 से पहले यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष होता था, अब यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। ये 2014 के बाद पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए थे और जिसके बाद उन्होंने 2018 में जो है चुनाव जीता था। अल सीसी मिस्र सेना के पूर्व प्रमुख और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। बात करें फिलीपींस और भारत की, तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने 2022 में जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था। 375 मिलियन डॉलर के सौदे के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंप दी है। तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL जो है ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ एक मतलब अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। इंडियन एयरफोर्स ने फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी किससे की है, तो C-17 ग्लोब मास्टर से, इस विमान का नाम है, इसी से इसकी डिलीवरी की है। आगे देखते हैं तो भारत जो है DRDO और रूसी अंतरिक्ष कंपनी NPO मजीनो स्ट्रोवेनिया, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसको किसने मिलकर के बनाया है, तो भारत के DRDO ने मिलकर के बनाया है और रूस की एक कंपनी है NPO मजीनो स्ट्रोवेनिया ने इसे संयुक्त उद्यम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को विकसित किया है। बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता की, तो ये इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 2.8 जो है मैक की गति से चलती है, तो एक मैक बराबर ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना, ठीक नहीं जो है, मतलब एक मैक बराबर ध्वनि की गति से जो तेज चले उसी को मैक कहते हैं, तो 2.8 है मतलब ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है, तो उसी की बात कर रहा है। तो यह इतनी तेज चलती है क्रूज मिसाइल। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल से भी लॉन्च किया जा सकता है, वायु से, समुद्र से, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। बात करें अगली न्यूज की, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का समापन हो गया है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो पिछला वर्ष था उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में। इटली में रोम में स्थित FAO जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहा जाता है के मुख्यालय में तो इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में, याद रखिए। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 को समापन समारोह आयोजित किया। इसमें भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव कौन थे, मनिंदर कौर द्विवेदी शामिल हुए थे इसमें। तो इस कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल सुपरफूड के रूप में मोटे अनाज के महत्व को रेखांकित करने वाली व्यवहारिक चर्चाओं और प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। भारत के एक प्रस्ताव के बाद लगभग 70 से अधिक देशों ने समर्थन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में ही इसे अपने 75वें सत्र में जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो है घोषित कर दिया था। तो पूछा जाएगा किसने प्रस्ताव दिया था, तो भारत के प्रस्ताव के बाद कितने देशों ने अनुमोदन किया था, 70+ देशों ने, ठीक है। अब जानते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को समाप्त करने और पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैंने बता ही दिया, रोम में है, रोम इटली में है, ठीक है। इसके द्वारा विश्व के वनों की स्थिति, देखिए इसके द्वारा किस किस चीज़ों की रिपोर्ट आती है, तो विश्व में वनों की स्थिति, विश्व मत्स्य पालन एवं जलवायु कृषि की स्थिति जिसे सोफिया कहा जाता है, कृषि वस्तु बाजार की स्थिति तथा विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, इतनी मतलब बातों पर यह रिपोर्ट जारी करती है। आगे देखते हैं, अगली न्यूज है कि दुबई में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
तो 24 से 26 अप्रैल 2024 को मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अधिक में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे जेटेक्स 2024 कहा गया। इसमें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा इंडिया पवेलियन का प्रदर्शन किया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेवा निर्यात प्रमोशन काउंसिल ने शिक्षा वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को तेज कर दिया है। अगली न्यूज है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण हुआ है। तो आपसे क्रम पूछा जाएगा और कहाँ पूछा जाएगा, मैं तो विस्तार से इसलिए पढ़ाता हूँ कि जो आरओ और पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए विस्तार से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतना अंदर से पूछ लेता है कि कोई जानता ही नहीं है। तो जब अब तक आप अंदर से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप सही मतलब जवाब नहीं दे पाएंगे। तो 22 से 25 अप्रैल के मध्य नीदरलैंड के रॉटरडम में कहाँ आयोजित हुआ, तो रॉटरडम कहाँ है नीदरलैंड में, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जिनको जानकारी हो रॉटरडम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। विश्व ऊर्जा परिषद तथा नीदरलैंड के आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी भी की गई। इसके अंतर्गत मंत्री स्तरीय गोल में सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिससे दुबई में हुए COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के महत्वपूर्ण रूप से अत्यंत प्रभावी रहने वाले संदर्भों पर चर्चा की गई। बात करें 26वीं ऊर्जा कांग्रेस का विषय क्या था, तो इसकी थीम भी आप लोग याद रखिएगा, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना इसकी थीम थी। थीम याद रखिएगा जिसका उद्देश्य क्या था, अप्रत्याशितता के बीच वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को आकार देना। यह संस्करण प्रथम विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे होने के जश्न के रूप में भी मनाया गया। भारत ने इस गोलमेज मतलब इस सम्मेलन में अपनी नवीन प्रौद्योगिकियों और बिजली उत्पादन प्रथाओं का समर्थन किया। आप जानते हैं कि जो है ये जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है ये है क्या, ये इसके बारे में जानते हैं। यह ऊर्जा की सतत आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1923 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है ब्रिटेन के लंदन में। इसके 3000 से अधिक सदस्य संगठन हैं, इसके देश सदस्य होंगे लेकिन संगठन भी इसके सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर 3000 इसके सदस्य हैं। लगभग 100 देश में इसकी उपस्थिति है। भारत विश्व ऊर्जा परिषद के शुरुआती सदस्यों में से एक है, मतलब जब इसकी शुरुआत की गई तब से भारत इसका सदस्य बना हुआ है, जो 1924 में परिषद में शामिल हुआ था। लगभग 1930 में इसकी स्थापना हुई, 24 में भारत इसमें स्थापित हो गया, मतलब शामिल हो गया, मतलब एक साल बाद, तो शुरुआत से ही इसमें शामिल था। अगली न्यूज है कि रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। अब आइए देखते हैं, रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए, या एक यूरोपीय संघ के साथ दोनों देशों का एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप कहेंगे यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप में रोमानिया बुल्गारिया आता ही है, तो नहीं आता है, ये यूरोपीय संघ की बात कर रहा है, यूरोपीय यूनियन की बात कर रहा है, उसमें रोमानिया बुल्गारिया नहीं आते हैं, ठीक है। उस कह रहा है कि मतलब इसमें जो है आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो रोमानिया और बुल्गारिया 2007 में इसमें शामिल हुए थे, जो यूरोपीय यूनियन है इसमें जो है 2007 में शुरुआत से शामिल नहीं थे। रोमानिया और बुल्गारिया के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक प्रवेश से पूर्व शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 27 सदस्य हैं, इनमें 23 यूरोपीय संघ के देश, 4 अन्य देश नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लेवेंस्टीन शामिल हैं। आगे देखते हैं कि शेंगेन क्षेत्र के ये 4 यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, परंतु इन्होंने 1985 में शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शेंगेन समझौते पर 14 जून 1985 को लक्जमबर्ग के शेंगेन शहर में तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 10 सदस्य देशों ने
में से 5 के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब सेंगेन समझौता है क्या? तो ये लग्जमबर्ग का एक शहर है जिसे सेंगेन कहा जाता है, वहीं पे एक समझौता हुआ था आर्थिक समुदायों को लेकर के, जिसमें 10 से 10 देश शामिल हुए थे, जिसमें 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सेंगेन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्देश्यों के लिए एकल क्षेत्राधिकार की तरह ही संचालित होता है। सेंगेन क्षेत्र के भीतर प्रतिदिन लगभग 3.5 मिलियन लोग आंतरिक सीमा पार करते हैं, प्रतिदिन की बात कर रहा है। ठीक है, भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे, मतलब 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद इरफान अली ने जानकारी दी, भारत ने जानकारी नहीं दी, गुयाना के राष्ट्रपति ने इसको बताया है कि भारतीय कंपनी HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। ये विमान 2 बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों पर सवार होकर गुयाना की चेड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। यह विमान जो है कैरेबियाई देश गुयाना को दूरदराज क्षेत्रों से जोड़ने वाले चिकित्सा निकासी और आपदा प्रतिक्रियाओं में सहायता करेंगे। बात करें इन विमानों की खरीद के संबंध में, 15 मार्च को जो है गुयाना के वित्त मंत्री और एक्जिम बैंक के डिप्टी CM के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और अभी आपको बताते हैं एक्जिम बैंक है क्या। ये विमान भारत से गुयाना को दी जाने वाली क्रेडिट लाइन का हिस्सा है। मार्च 2024 में निर्यात आयात बैंक, मतलब जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है उसी को एक्जिम बैंक कहा जाता है, ने गुयाना को 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन की सुविधा प्रदान की थी। इस क्रेडिट लाइन का उद्देश्य क्या था? गुयाना के रक्षा बलों के लिए भारत से 2 विमान खरीदना। अब आप लोग बताएंगे कि ये जो गुयाना है, गुयाना किस महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो इसी पर समाप्त होता है। दोस्तों ज़रा से भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।